जगह आप इलेवन क्लास स्टूडेंट्स एज यू नो यू आर चैप्टर यू आर यूनिट नंबर टू एंड चैप्टर नंबर फाइव नाउ वी स्टडी टुडे चैप्टर नंबर 15 के अकॉर्डिंग जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इस मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स किसी प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए ठीक है जनरली द पार्ट ऑफ द प्लांट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रूट रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट सेकेंड शूट या स्टेम स्टेम इज अ सेकेंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट थर्ड लीफ फोर्थ ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर्स ओके तो रूट स्टेम लीफ एंड बर्ड्स फ्लावर्स जो है ये इसके क्या है पार्ट होते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है मॉर्फोलॉजी इज आउटर स्ट्रक्चर द स्टडी ऑफ साइज कलर स्ट्रक्चर ओके एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट तो साइज कलर और विभिन्न भागों के जो स्थान हैं वो हम स्टडी करना उसे मॉर्फोलॉजी कहेंगे साइज और शेप के बारे में स्टडी करना ये मॉर्फोलॉजी होता है ठीक है मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रूट के बारे में तो रूट के बारे में स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि क्या होता है जब हम किसी सीड को जर्मिनेट करते हैं ये जो सीड्स होता है जर्मिनेट होने पर क्या होता है दो जो है जो होते हैं दो जो है मतलब कि जर्म क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं एक जर्म होता है ऊपर और जर्म नीचे एक जर्म अंडरग्राउंड होता है अंडरग्राउंड जर्म को बोलते हैं रेडिकल और सेकंड होता है प्लूम ठीक है तो जो रेडिकल होता है रेडिकल इज अ प्रोड्यूसेस रूट्स रेडिकल रेडिकल प्रोड्यूसेस रूट रेडिकल रूट्स को प्रोड्यूस करता है एंड प्लूम प्रोड्यूसेस स्टेम या शूट प्लूम जो होता है स्टेम या शूट को प्रोड्यूस करता है जब किसी सीड को जर्मिनेट किया जाता है तो ओके अब यहाँ पे जो रूट है वो क्या है रूट का हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट रूट क्या है किसी पार्ट का किसी प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है रूट हैव नॉट कलर रूट इज अ कलरलेस पार्ट ऑफ द प्लांट रूट जो होता है किसी प्लांट का कलरलेस पार्ट होता है रंगहीन भाग है ठीक है रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल रूट जो होता है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है ओके अब यहाँ पे जो रूट्स है उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से रहती है ये रूट की स्ट्रक्चर है रूट की स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टिप वाला भाग है इसे कहेंगे रूट क्या है रूट के जो होता है रूट को क्या करता है आगे डीप में बढ़ाने का काम सेकेंड होता है इट इज अ वेरी दिस पार्ट इज अ जो उसका बीच वाला भाग होता है ये ग्रोविंग रीजन ग्रोविंग रीजन की जो सेल होती है लगातार डिवाइड होती है और न्यू सेल्स फॉर्म करती है ग्रोविंग रीजन में न्यू सेल बनते हैं नेक्स्ट स्टेज है रूट हेयर रीजन तो रूट हेयर रीजन में क्या होता है रूट से हेयर निकलते हैं आसपास से जो रूट से हैं ये सॉइल में एंटर करके सॉइल के पार्ट निकल के बीच में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ओके एंड दिस पार्ट इज परमानेंट रीजन ऑफ द रूट ये परमानेंट रीजन होता है इस प्रकार से ठीक है तो हमें मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट हमें स्टडी करना है ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द रूट रूट के टाइप्स हैं कितने तरह के हैं द टाइप ऑफ द रूट देयर आर टू टाइप ऑफ द रूट फर्स्ट इज अ टैप रूट टैप को मुसलाधार रूट कहेंगे हिंदी में सेकंड एडवेंटिशियस रूट को रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कहा जाता है इसको ठीक है टेप रूट फाउंड इन डाइकोट प्लांट डाइकोट प्लांट जैसे ग्राम पी एक्सेट्रा में पाए जाते हैं एडवेंटिशियस रूट जो होती है जनरली मोनोसियस प्लांट जैसे ग्रासेस सारी घास और वीट वीट में जो होता है पाए जाती है
इसी तरह से ये मेज पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसमें क्या आती है, पाई जाती है। अब हम डिफरेंस बिटवीन टेप रूट एंड एडवेंट फिक्सर्स रूट में दोनों में डिफरेंस हमको करना है, ठीक है। ये हमें क्लियर करना है दोनों में। टेप रूट राइज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। टेप रूट जो है रेडिकल एम्ब्रियो के रेडिकल से प्रोड्यूस होती है। एडवांटेज, दिस रूट अराइज आइदर फ्रॉम स्टेम और फ्रॉम द लीफ। एडवांटेज रूट सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, कैसे स्टेम या लीव भी क्या होती है, एडवांटेज रूट बना सकती है। फिर टेप रूट में क्या होता है, टेप रूट आर डीप फीडर। जो टेप रूट होती है गहराई में जाती है। एंड एडवांटेज इट में यूजुअली द सरफेस फीडर। जो एडवांटेज रूट रहती है इस प्रकार से ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती। टेप रूट क्या होती है, अंदर तक जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। और एडवांटेज सिर्फ सरफेस पर पाए जाने पानी वाले वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर पाती है। देयर इज अ सिंगल मेन रूट। टेप रूट में सिंगल मेन रूट होती है। एडवांटेज रूट में कोई सिंगल मेन एक्सिस नहीं होता है। ओके, देयर आर नंबर ऑफ रूट यूजिंग, इसमें बहुत सारे रूट्स होती है जो आसपास फैली रहती है, ठीक है। तो हमको दोनों में डिफरेंस जो होता करना है, बुक के थ्रू हमें इसका स्टडी करना है। हमें मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट हमें इसकी क्या करना है, लर्न करना। ओके, नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है स्टेम। स्टेम के बारे में, स्टेम क्या है और डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम। स्टेम इज अ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। किसी प्लांट का एरियल पार्ट जो स्टेम होता है, स्टेम हैव नोड एंड इंटरनोड। स्टेम में क्या होती है, इसका मेन कैरेक्टर होता है, इसमें नोड और इंटर नोड दो भाग होते हैं। ये स्टेम का मेन कैरेक्टर है। स्टेम बियर ब्रांचेस। स्टेम में क्या होती है, ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं। अब रूट और स्टेम में हमें डिफरेंस करना है, ठीक है। तो रूट और स्टेम में डिफरेंस हमें ये लर्न करना है। रूट इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल, स्टेम डेवलप फ्रॉम पुलुमूल, ठीक है। नेक्स्ट, रूट डिक्रीज द एक्सिस ऑफ प्लांट। रूट इज अ डिक्रीजिंग एक्सिस ऑफ प्लांट। जो रूट होती है एक्सिस, प्लांट के एक्सिस का एंडिंग भाग होता है। स्टेम जो होता है इंक्रीजिंग, तक जहाँ स्टेम होता है वहाँ से प्लांट का एक्सिस क्या होता है, बढ़ता है। रूट जो होता है नोड्यूल इन नोड एंड इंटरनोड आर एब्सेंट। रूट में नोड इंटरनोड नहीं पाया जाता। स्टेम में नोड एंड इंटरनोड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर बर्ड्स आर एब्सेंट इन रूट्स। रूट्स पे कोई बर्ड्स नहीं होती है। स्टेम हैव बर्ड्स। स्टेम में बर्ड्स होती है जिससे कि ब्रांचेस और लीव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके लिए हमें मिनिमम 5 पॉइंट करना है, लर्न करना। ओके, जय दादा क्यों। एंड द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट हमें स्टडी करना है। मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट में टेप रूट और एडवेंटेज रूट दोनों के रूट जो मॉडिफिकेशन हमें देखना है। ये जो टेप रूट होता है, टेप रूट के मॉडिफिकेशन में जनरली इस प्रकार से ये जो कैरोटीन रेडिश है, ठीक है। फिर ये जो बीट होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से क्या होता है टेप रूट के मॉडिफिकेशन में, नेपी फॉर्म कोनिकल, ठीक है, नेपी फॉर्म। ओके, इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार का होता है रेडिश, ठीक है, फ्यूजी फॉर्म कोनिकल, नेपी फॉर्म, इनके जो है फूल मटेरियल को एब्जॉर्ब करके इस प्रकार से इनके शेप बदल जाते हैं। ओके, सिर्फ इनका आपको डायग्राम को एक जो एग्जाम्पल लर्न करना है। इसके बाद एडवेंटिस रूट के जो रूट्स के और भी मॉडिफिकेशन है, इस प्रकार से रेस्पिरेशन के लिए होता है रेस्पिरेटरी रूट, जिसमें निमेटोफोर बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सिम्बायोटिक रूट होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफाइड होती है। इस प्रकार ग्राम्स जो टर्मरिक हल्दी होती है, ठीक है, ये एडवेंटिस रूट के मॉडिफिकेशन है, ठीक। ये मॉडिफिकेशन हमें देख लेना है और जो है थोड़ा थोड़ा शॉर्टली क्या करना है, इनको ध्यान में रखना है, लर्न करना है। तो प्रिपेयर दिस टॉपिक। थैंक यू।